बोलना चाहती हूँ मोना को, जो आपने मुझे इतनी अच्छी रेसिपी दी। और आप लोग बहुत सारी रेसिपी देखने के लिए मोना फूड को ज़रूर ज्वाइन करें। और मैंने बहुत सारे लीनाज किचन में नॉनवेज या वेज आइटम बहुत सारे मैंने रेसिपी बनाई है, तो आप लोग एक बार लीनाज किचन में ज़रूर विजिट करें। और मैंने हैदराबादी बिरयानी भी बनाई है, चाहे हांडी मटन, चाहे चंपारण की मीट, बहुत सारी आपको रेसिपी मिल जाएगी। लेकिन मुरादाबादी बिरयानी मैंने कभी नहीं बनाया था, लेकिन जब मोना की मैंने देखा मोना फूड, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स मोना ये रेसिपी बताने के लिए। और मेरी ये रेसिपी मुरादाबादी बिरयानी अगर आपको अच्छे लगे तो आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दें। और मोना आप भी अपना फीडबैक दीजिएगा कि मैंने आपके जैसा बनाया है कि नहीं। और हैदराबादी बिरयानी तो सब लोग खाते हैं, या नवाबों की शहरी जो लखनऊ है तो वहाँ की भी बिरयानी बहुत फेमस है, लेकिन मुरादाबादी बिरयानी भी कम फेमस नहीं है, क्योंकि ये इसमें जो मसाले होते हैं ना बहुत ही हल्के होते हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं। और सारी इसे यखनी पुलाव भी बोल सकते हैं या यखनी बिरयानी भी बोल सकते हैं, और इसे खास करके हम लोग पतीले में बनाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मैं झटपट से दिखाती हूँ ये। और बिरयानी यानी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, मैंने 1 kg चिकन लिया है। इसके पीसेस बड़े या छोटे आप कर सकते हैं, मैंने अच्छी तरह से इसे धो लिया है। और उसके बाद मैं 1 kg मेरे पास बिरयानी चावल है, और ये देखिए यखनी का मसाला है, जिसमें 1 बड़े चम्मच साबुत धनिया है, 1 बड़े चम्मच सौंफ है, और थोड़ी सी काली मिर्च है, 1 बड़े चम्मच, 7 से 8 कलियाँ लहसुन की, थोड़े होल स्पाइसेस, 1 बड़े प्याज, और ये अदरक का टुकड़ा। और ये देखिए मेरे पास 50 ग्राम हरी मिर्च और 1 टमाटर, और ये 1 kg मैंने चावल लिया है। मैं इससे मेज़रमेंट कर लेती हूँ, जैसे 1 kg पहले से मैंने मेज़रमेंट करके रख लिया था। ये मेरे पास ये जो ग्लास देख रहे हैं ना, इससे करीब करीब 3.5 ग्लास मेरे पास चावल है। 1 kg की क्वांटिटी मैंने ये ग्लास से मेज़रमेंट किया। तो इसे अच्छी तरह से धोने के बाद इसे थोड़े से पानी में भिगो करके रख दें, और देखिए मैंने धो लिया है। चलिए इसको अच्छी तरह से हम थोड़ी देर के लिए इसे ढक के छोड़ देते हैं। और ये मेरे पास 50 ग्राम हरी मिर्च और 1 बड़े टमाटर है। और चलिए सबसे पहले यखनी तैयार करते हैं, क्योंकि यखनी तैयार करने में ही थोड़ा सा समय लगता है। और क्योंकि देखिए मैं क्वांटिटी बता देती हूँ कि जब भी आप पतीले में बिरयानी बनाएं तो पानी की क्वांटिटी दुगनी रखें। तो मेरे पास 3.5 ग्लास चावल था, तो मैंने 7 ग्लास पानी लिया है। और जब पानी अच्छी तरह से पानी में उबाल आ जाए तभी मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। और देखिए मेरे पास ये 7 ग्लास पानी मैंने डाला इसमें। और अगर आप कुकर में बिरयानी बनाते हैं तो आप पानी की क्वांटिटी इक्वल रखें चावल के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने 3.5 ग्लास चावल लिया, तो मैं 3.5 ग्लास ही पानी डालूंगी अगर मैं कुकर में बनाती। तो यहाँ पर मैं देखिए प्याज में पतले पतले स्लाइस में काट लूँगी, 3 से 4 मेरे पास ये प्याज है, क्योंकि थोड़ा सा प्याज मैं इसे तल करके मैं निकाल लूँगी, बाद में मुझे बिरयानी में ऊपर से स्प्रिंकल करना है। और इस तरह से मैं प्याज को कट कर लूँगी। देखिए मैंने मेरे सारे प्याज कट हो गए हैं। और चलिए अब मैं हरी मिर्च को भी काट लेती हूँ। ये मेरे पास 50 ग्राम हरी मिर्च है, और देखिए ये तो मेरी यखनी के लिए प्याज है। मैंने एक प्याज लिया है, उसको मैंने 4 टुकड़ों में कट किया है। और सारी ये देखिए थोड़ा सा अदरक है, उसको भी 1 टुकड़ा हम ले लेंगे। और थोड़े से अदरक को मैं स्लाइस में कट करके रख लूँगी, थोड़ा सा मैं अलग रखी हूँ यखनी के लिए। और देखिए इस बस 2-2 पीसेस करें, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है, क्योंकि ये मुरादाबादी बिरयानी में बिल्कुल जो होते हैं ना मसाले बिल्कुल लाइट होते हैं। और आप तीखा जो है ना अपने स्वाद के अनुसार रखें। तो मैंने 50 ग्राम, ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली मिर्च नहीं है, तो मैंने करीब 50 ग्राम मिर्च लिया है। बस 2-2 टुकड़ों में इसे काट करके रख दे। और 1 टमाटर है मेरे पास, इसको भी इस तरह से स्लाइस में कट कर ले। और चलिए तब तक मैं देख लेती हूँ पानी में उबाल आया है कि नहीं। और देखिए पानी में उबाल आ गया है, देखिए इस तरह से, तो पानी बिल्कुल गर्म हो गया। तो अगर आप इलायची डालें तो इस तरह से इलायची का मुंह खोल दें, देखिए इस तरह से, नहीं तो थोड़ा सा क्रश करके भी डाल सकते हैं। 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची है, थोड़ा सा दालचीनी यानी कि पूरे होल स्पाइसेस, और 1 बड़े चम्मच सौंफ लिया था। इस तरह से आप सारे खड़े मसाले जितना मैंने दिखाया उस सबको डाल देना है, क्योंकि यखनी जो बनती है ना मुरादाबादी बिरयानी की खासियत होती है, यखनी बनाने में ही ज़्यादा टाइम लगता है। और इस तरह से देखिए खड़ी काली मिर्च भी है, 1 बड़े चम्मच है, और इस तरह से आप डाल दें। और थोड़ा सा नमक, और ये प्याज को भी ऐड कर देना है, लहसुन भी जो मैंने छील के रखा था उसको भी ऐड कर देना है, अदरक, और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करें बिल्कुल हल्का।
और देखिए मैंने आधी चम्मच इसमें नमक डाला है। बिल्कुल ढक करके इसे पकने दें जब तक कि इसका पूरी तरह से पानी में जो है ना इसका पूरे मसाले का फ्लेवर ना आ जाए तब तक इसे हम छोड़ देंगे। तब तक दूसरे तरफ दूसरे फ्लेम में चलिए मैं ये बड़े वाले पतीले में चढ़ा देती हूँ। और चाहे तो आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएं, घी में बनाएं, बटर में बनाएं, किसी चीज़ में बनाएं। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, इसमें तेल भी बहुत ज़्यादा ना डालें। और देखिए मैंने दो बड़े चम्मच मैंने इसमें तेल ऐड किया है बड़े वाले चम्मच से। और देखिए इस तरह से मैं प्याज को मैं डाल दूँगी, आधा प्याज मैं इसमें रहने दूँगी, आधा प्याज मैं इसे थोड़ा सा सुनहरा करके मैं निकाल लूँगी, बाद में स्प्रिंकल करूँगी मैं बिरयानी बनने के बाद। इस तरह से आप तब तक देखिए मैं तब तक पानी भी चेक कर लेती हूँ। ये देखिए यखनी अच्छी तरह से ये उबाल आ रहा है, इसे बिल्कुल ढक ढक करके अभी पकने दे जब तक कि पूरा फ्लेवर नहीं आ जाए। और तब तक चलिए ये हमारा प्याज भी देखिए इस तरह से, आधा प्याज को मैं बिरयानी के लिए रखूँगी और आधा निकाल लूँगी। अभी थोड़ा सा और ये गुलाबी होगा, और बस बिल्कुल आधा मैं निकाल लूँगी बिरयानी के लिए। और देखिए अभी थोड़ा सा और होना बाकी है, और चलिए देखिए प्याज बिल्कुल सुनहरा हो गए हैं तो इसे मैं निकाल लूँगी। अभी पूरा ही निकाल ली हूँ, उसके बाद थोड़ा सा मैं एक चम्मच मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी, थोड़े से होल स्पाइसेस इसमें भी डाल दें। और ये शाही जीरा भी मैंने एक चम्मच इसमें ऐड किया है, और तीन चार तेज़पत्ता बे लीव्स है। और देखिए थोड़ा सा प्याज जो है आधा मैं इसमें डाल दूँगी, आधा मैं रखूँगी बाद में स्प्रिंकल करने के लिए। और इस तरह से देखिए ये करीब करीब प्याज तो, और इसमें देखिए चिकन मैंने जो धो के रखा था इसमें ऐड कर दें, चिकन पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए इस तरह से आप डाल दें, क्योंकि ये जो मुरादाबादी बिरयानी की खासियत होती है बिल्कुल इसमें कलर जो होता है ना वाइट होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करना है। और ये देखिए थोड़ा सा इसे 5 मिनट तक इस तरह से तेल में आप भून लें, और उसके बाद में इसमें हरी मिर्च जो मैंने कट करके रखा था इसमें ऐड कर दें। आप चाहे तो हरी मिर्च इसमें मैरिनेट भी कर सकते हैं, और जो मैंने टमाटर कट किया था उसको भी इसमें ऐड कर दें। और अच्छी तरह से चलाने के बाद अब आइए थोड़े से मैं मसाला डालूंगी, जिसमें मेरे पास अदरक लहसुन पीसे हुए हैं वो एक चम्मच ऐड करूंगी। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से चला लेना है, उसके बाद मैं देखिए एक चम्मच फ्रेश दही और इसमें डालूंगी। आप चाहे तो इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं अगर दही नहीं है तो। और इसे अच्छी तरह से फिर चला लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि मैंने यखनी में भी नमक डाला है तो इसमें नमक की क्वांटिटी थोड़ा कम रखें। और देखिए मैंने एक चम्मच मैं काली मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ क्रश किए हुए, थोड़ा सा नमक, नमक कम ही डालें क्योंकि मैंने यखनी में भी डाला है। उधर मेरे यखनी भी हो रहे हैं बिल्कुल, जब तक कि उसमें फ्लेवर नहीं आ जाएगा सारे मसालों का तब तक मैं उसमें पकाऊंगी। और फ्रेंड्स जो यखनी ये मुरादाबादी बिरयानी होती है ना, मेन जो टाइम लगता है ना यखनी में जो होता है ना उसका फ्लेवर पूरी अच्छी तरह से आना चाहिए। ये चिकन तो बिल्कुल बहुत ईजी वे में पक जाता है, लेकिन यखनी का जो है ना उसको उसका जो है ना उसको अच्छी तरह से बनाना चाहिए। और उसके बाद में देखिए ये चावल को मैं ऐड करूँगी, चावल बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, और धीरे धीरे करके सारे चावल डाल दें। चावल को इसमें बस भून लेना है चिकन के साथ। और ये जो यखनी पुलाव होता है ना तो बहुत ज़्यादा इसमें चावल भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तेल में कड़क हम फ्राई करेंगे तो ऐसा नहीं। देखिए यखनी हो गया है तो चलिए इसे मैं छान लेती हूँ। और क्योंकि पानी का मेरे पास मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है इसलिए मैं सारे इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने मेज़रमेंट बिल्कुल जो है सही रखा था। आप अगर ज़्यादा अगर आप पानी इसमें अगर आपने लिया है तो इसकी बस आप ग्लास से नाप के दें जितना चावल है बस उसका दुगना पानी डालें, क्योंकि मैंने मेज़रमेंट पहले ही कर लिया था तो मैं सारे इसमें यखनी डाल दूँगी। और देखिए उसके बाद आप चाहे तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है। उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी
थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी आप इसमें ऐड करें, उससे उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और जब इसको थोड़ा सा आप उबाल आने दें तो उसके बाद भी मैं थोड़ा सा दम पे लगाऊंगी। थोड़ा सा पहले आप जब उबाल आ जाएगा ना तो ये बहुत खिला खिला बनेगा, तभी आप दम पे लगाएं। और ये केवड़ा एसेंस ही ऑप्शनल है। अब आइए इसको मैं चेक करती हूँ। और एक टिप्स मैं भी देना चाहती हूँ कि ये अगर आप दम पे लगाते हैं ना तो जो आटा किनारे से लगाते हैं अगर वो बिल्कुल पक के रोटी जैसा हो जाए तो समझिए आपकी बिरयानी बिल्कुल सही दम पे लगा है। और देखिए वाव कितना देखिए खिला खिला बना है। चलिए मैं दिखाती हूँ सामने से, देखिए और बहुत ही खिला खिला बना है। और इसमें चाहिए तो आप फूड कलर डाल सकते हैं या केसर डाल सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और उसके बाद मैंने जो प्याज और अदरक काट के रखा था उसको ऊपर से स्प्रिंकल कर देना है। और आप चाहे तो इसमें केवड़ा जेल भी डाल सकते हैं, मैंने पहले भी दिखा दिया था। और तैयार यखनी मुरादाबादी बिरयानी को खीरा प्याज या फिर पुदीने के रायते, खीरे के रायते किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।